सो इट इज अटोमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई. ऐश्वर्या इज सेइंग आई कांट हियर यू. ऐश्वर्या यस ज्वाइन अगेन प्लीज. सो दिस इज अटोमिक रेडियाई और रेडियस. दिस इज आयोनिक रेडियस और रेडियाई. इन आयोनिक रेडियाई और रेडियस थंब रूल इज रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बाई जेड. दिस इज ई बाई जेड. ठीक है कृष्णा. चलो ई बाई जेड इंपॉर्टेंट वन. इससे तुम्हारे पास बहुत बार कंपटीशन में आए हुए हैं प्रॉब्लम्स. सो मेनी टाइम्स. Aishwarya is saying still I am not able to hear. What I can do? सभी लोगों को आवाज आ रही है प्लीज. यस सर. सब लोगों को तो आ रही है भाई. Aishwarya. यस सर. तो हाँ मुझे लगता है इट इज म्यूटेड फ्रॉम योर साइड. I think it is muted from your side. एक बार फिर से ज्वाइन करके देखो, सेटिंग चेंज करके देखो. ओके Now, then after the most important for CET, NEET, JEE, KVPY, ICER, ionic radii के बाद ionization energy और ionization enthalpy. आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है ना. ये क्या क्या था. इट इज डिपेंडिंग ऑन किसके किसके ऊपर. इट इज डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट हम लोगों ने क्या लिखा था. फुलफिल्ड के बाद ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड एंड देन रेडियस का फैक्टर आता था. है ना. It is also depending on screening effect. Just brief revision, okay? Please. Yes. उसके बाद हम लोगों ने देखा था electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ये एक्सेप्ट कर सकता है. बट इट कैन अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पेशली. हाँ अट्रैक्टिंग शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रोनित. अट्रैक्टिंग शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन. So this is ability to attract shared paired electron. ठीक है ना. और moving along the period ये क्या होता था, increase. Down the group it is continuously decreasing. Continuously increasing, continuously decreasing.
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना हायर होगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता था, बॉन्ड लेंथ उतना शॉर्टर होता था. अपोजिट ऑफ दैट इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर. नाउ इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर को ही तुमने क्या नाम दिया था? मेटालिक कैरेक्टर. मेटालिक कैरेक्टर. तो मेटालिक कैरेक्टर के लिए हम लोगों ने देखा था व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, बट ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इट इज इंक्रीजिंग. ठीक है ना. व्हाई इट इज इंक्रीजिंग? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फर्स्ट साइज इज इंक्रीजिंग, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इंक्रीजिंग, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग ड्यू टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजेस. है ना, डिक्रीजिंग अगर है दैट्स व्हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिक्रीजिंग. इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिक्रीजिंग यू कैन इजिली रिमूव इलेक्ट्रॉन, यू कैन इजिली रिमूव इलेक्ट्रॉन. ओके, तो ये हम लोगों ने यहां तक देखा था. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. वर्ड इज सेइंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. व्हाट इज वर्ड एफिनोज? एफिनोज इज नथिंग बट अट्रैक्शन पावर को हम लोग बोलते थे एफिनोज, वहां से एफिनिटी. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी. अब तुमको लगेगा सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यही था, तो देयर इज स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? ओके, तो इसके पहले हम लोग लेते थे व्हेन यू आर टेकिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये किसके लिए है? इट इज अट्रैक्टिंग शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज फॉर आइसोलेटेड गैसेस एटम. दिस इज फॉर आइसोलेटेड मतलब वन इलेक्ट्रॉन के लिए. जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था? व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म एंड इट इज अट्रैक्टिंग शेयर्ड पेयर्ड यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. ओके, प्रीवियस स्लाइड फिर से दिखाना है मुझे. डन, वेरी गुड. आइसोलेटेड गैसियस एटम नहीं, जरूरी नहीं है कि नोबल गैस, सभी गैस के लिए. सपोज यू आर हैविंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ओ टू फॉर्म, तो यू सेपरेट फर्स्ट ओ एंड ओ देन एड वन इलेक्ट्रॉन. ओके, आइसोलेटेड मीन्स अकेलेबल इज व्हेन वन एटम इज प्रेजेंट एंड व्हेन इट इज इन बॉन्डेड फॉर्म देन इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. लिखो फर्स्ट डेफिनेशन प्लीज. राइट डाउन डेफिनेशन प्लीज. शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म. देखो भाई सभी लोग प्लीज, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन सीएल का है, दिस इज कॉल्ड ए शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इफ हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दिस इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स हाइड्रोजन. इफ क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन. ओके, are you getting my point? Yes sir. This is shared paired. Shared paired. Shared means two hydrogen ke beech mein shared hai. And when individual electron is taken, suppose this is chlorine atom. Now you want to add one electron. This is electron affinity.
दिस इज ऑल्सो अट्रैक्शन टेंडेंसी बट फॉर एन एटम. ये क्या था, एटम के लिए तो है बट इन बॉन्डेड एटम. ओके सो प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन प्लीज. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखो. दिस इज एबिलिटी ऑफ एन एटम to attract electron or electrons in any isolated gaseous atom. In any isolated gaseous atom. Okay. अब देखो तुमको बुक्स में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं लिखेगा. Yes, it is not naturally existing. This is not naturally existing. तो Cl2 से पहले Cl में सेपरेट किया, O2 से O में सेपरेट किया, like that. Particularly, atom is not existing in isolated gaseous atom. कौन exist कर सकता है? Helium, neon, argon only. बस. But what is electron affinity? Suppose you want to check for nitrogen. Nitrogen is existing in N3 form. Oxygen is existing in O2 form. Cl2 is existing like this one. तो इसमें से क्या करो, first oxygen oxygen को separate कर लिया. Now add one electron. This tendency, addition of electron, is called as electron affinity. This attracting tendency is called as attraction tendency of this oxygen atom is called as electron affinity. Okay. So they are not existing in the nature separate. उनको मुझे बनाना है, उसके बाद ये property मुझे देखना है. अब तुमको बुक्स में क्या लिखेगा, सेम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तुमको इंस्टेड ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, they will say electron gain enthalpy, isi ko hi, but is slightly different. Theek hai na, likho what word is using electron gain enthalpy. Abhi maine kya bol raha tha tumko, ionization enthalpy kya tha, what was ionization enthalpy if you remember. So ionization enthalpy tha removal of electron by means of heating. Whenever enthalpy word is heating na, एंथैल्पी वर्ड इज कमिंग, इसका मतलब है हीटिंग वगैरह. अभी इस एंथैल्पी के ऊपर हम लोग कम से कम नहीं तो 4 to 5 hours पढ़ेंगे इन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर. ओके नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, व्हेन यू आर एडिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी विल बी रिलीज्ड. व्हाई एनर्जी इज रिलीज्ड, प्लीज नोबडी विल राइट एनीथिंग. This is cell K, this is L, M, this is cell. Suppose electrons are present in any cell, I am saying. And let us assume that this is outermost cell electrons. If this one is outermost cell electrons, then there is a repulsion between electrons.
देन देयर इज रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन है एंड यू आर गोइंग टू एड वन मोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल. तो इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल डेफिनेटली दे विल नॉट अलाउ टू एंटर वन मोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, है ना. अब क्या आएगा, ड्यू टू विच व्हाट प्रॉब्लम विल अराइज. तुमको फोर्सिबली इलेक्ट्रॉन को यहां से ऐड करना पड़ेगा, फोर्सिबली. नाउ इफ यू आर एडिंग इलेक्ट्रॉन फोर्सिबली, तुमको यहां से एनर्जी बाहर से खूब देना पड़ेगा, ड्यू टू विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम एटम, ड्यू टू विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम एटम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. Energy is released from this atom during this process, which is called as electron gain and enthalpy. Electron gain मतलब जब तू electron इसके अंदर दे रहा है, due to which energy is released is nothing but electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. Is there any problem, please? Is there any problem, please? No problem. Someone saying is please explain it again, sir. Okay, not an issue. ठीक है. अभी क्या हो रहा है? What is actually when you are adding extra electron to the outermost cell, whenever you are adding extra electron to the outermost cell, then electrons which are already present in the outermost cell, electrons which are already present in the outermost cell, they will not interfere, they are not allowing electron which is extra coming, they are not going to allow enter one more electron. theek hai na, samajh mein aa raha hai. ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है ना, वहां पे रिपल्सन है, तू एक इलेक्ट्रॉन और भी दे रहा है वहां पर, तो वहां पे कैसे इलेक्ट्रॉन आने ही नहीं देंगे. दैट्स व्हाई फोर्सिबली तू इलेक्ट्रॉन को क्या कर, उसके अंदर दे रहा है आउटर मोस्ट सेल में. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड, विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बोलो भाई प्लीज बोलो. इज देयर एनी प्रॉब्लम स्टिल? नो सर. तो सर प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन प्लीज. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. Sir, what other types of energy can be used for this? Yes, any kind of energy you are using, but you are not going to define electron gain potential or this aisa karke nahi, because energy is released from atom and that energy is called as electron gain enthalpy. Whatever energy you are providing, that is not called as electron gain enthalpy. Whatever is the energy is releasing from the atom is called as electron gain enthalpy. Okay, चलो लिखो, राइट डाउन डेफिनेशन प्लीज. लिखो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड
amount of energy released when an extra electron is added to outermost shell of any gaseous atom. Okay. तो कैसे इसको रिप्रेजेंट किया? डेल्टा एच ई जी ऐसा लिखता हूं मैं. तो व्हेनेवर एनर्जी इज रिलीज whatever is after of any isolated gaseous atom. अरे वाह, any isolated gaseous atom. Is there any doubt, please? No. Yes, चलो let us move ahead. Okay. Now for electron gain enthalpy, अभी हमने क्या word use किया? Energy released or absorbed, बोलो. Energy is released or absorbed? Released. तो थोड़ा सा technical word chemistry का. Whenever energy is released. then it is called as, थोड़ा सा नाम तो सुना होगा 10th क्लास में ना, is called as exothermic. Yes, sir. And whenever energy is absorbed, then it is called as endothermic. Energy absorbed is endothermic reaction. तो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो नाउ यू कैन से क्या बोल सकता था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. लिखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. नाउ स्टार मार्क लगा करके लिखो. सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज endothermic in nature. ठीक है ना. सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज endothermic in nature. अब उसका रीजन क्या है? ठीक है ना. देखो सभी लोग,
जब यहां से एनर्जी निकलता है, एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द एटम. इंपॉर्टेंट वन, तुमको अभी जो स्टेटमेंट मैंने लिखवाया है ना, इंपॉर्टेंट वन, ये जब कंपटीशन में आता है तो लोग भूल जाते हैं, अरेंज करने के लिए बोलता है उस टाइम पे. तो अब क्या होगा, वेन एवर एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, एनर्जी मस्ट बी रिलीज. अब प्रॉब्लम ये है कि एनर्जी जब रिलीज कर जाता है तो अपने आप को फिर से न्यूट्रल फॉर्म में लाने के लिए व्हेन यू आर एडिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करता है, एनर्जी बाहर से गेन करता है. नो, आयोनाइजेशन एनर्जी इज नॉट द एक्सोथर्मिक, बिकॉज यू आर गिविंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी, गिविंग एनर्जी टू द एटम, देन इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीजिंग. समझ में आ रहा है? What is ionization energy? Energy required to remove. Energy required to remove. Required means you are giving energy. And here, energy is released directly saying. Energy is released when you are adding electron. Ionization energy, energy required to remove electron. Okay? So, ionization is endothermic. And electron gain enthalpy is exothermic in nature. But first, फर्स्ट का मीनिंग क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब ऐड करा, व्हेन यू आर एडिंग सेकेंड इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर. व्हेनेवर यू आर एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स, देन इट विल बी ऑलवेज बोलो क्या होना चाहिए, इट विल बी ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर. ठीक, यस, एंडोथर्मिक फॉर सेकेंड, बट फर्स्ट के लिए इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. वेरी गुड. तो ये मुझे अब याद होना चाहिए. अब मैं आता हूं, व्हेन यू आर मूविंग अलोंग द पीरियड, व्हेन यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप. अभी क्या हो रहा था, तुम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था, व्हेनेवर यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हाट अबाउट एटॉमिक रेडियस, इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग. इट इज ऑलवेज, साइज इज इंक्रीजिंग. इफ साइज इज इंक्रीजिंग, यस, इफ साइज इज इंक्रीजिंग, तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर साइज बहुत ज्यादा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस. यस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिक्रीजेस, बट यू वांट टू ऐड इलेक्ट्रॉन. नाउ व्हेन यू आर मूविंग लेफ्ट टू राइट, इट्स साइज इज डिक्रीजिंग. अगर साइज और भी इधर डिक्रीज कर रहा है, साइज, एटॉमिक साइज, अब बोलो वेयर यू विल फील more force of repulsion, when size is smaller or when size is larger? Size is smaller. In a small area, if you are putting electron, it will experience more force of repulsion. Now, if it is experiencing more force of repulsion, now you want to add one electron in smaller area, one electron in larger area, where energy will be released more, where you have to increase more force, where you have to apply more force for putting one electron inside the nucleus, inside the atom, smaller area. Yes, it means that size agar decrease karega to electron gain enthalpy is inversely proportional, hai na? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यस, प्लीज डू यूज चैट, नॉट एन इशू. ठीक है ना, तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो रहा है, यहां पर साइज, दिस वन इज साइज इज
increasing top to bottom. If size is increasing, large area is provided to you, है ना, तुम कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को पुट करके भाग सकता है. बट इफ यू आर हैविंग स्मॉलर एरिया देन पुटिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल इज क्वाइट डिफिकल्ट. सो दैट विल रिलीज मोर एनर्जी एज कंपेयर टू लार्जर साइज ऑफ द एटम. तो लिखो अलोंग द पीरियड प्लीज, जल्दी से फास्ट अलोंग द पीरियड. मैं इतना अच्छा नोट्स बनवा दे रहा हूँ तुम लोग का, सब ऐसा ही लिखना स्कूल कॉलेज में, डेफिनेटली मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे. राइट डाउन प्लीज, लिखो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. When you are moving from left to right, when you are moving from left to right, when you are moving from left to right, size of an atom is decreasing. Size of an atom is decreasing. Due to which, large amount of energy will be released. Large amount of energy will be released when extra electron is added to outermost cell. Whenever you are moving from left to right, its size is decreasing, due to which large amount of energy will be released. When one electron is added to outermost cell. ओके, नो न्यूक्लियर एनर्जी नहीं, दिस इज नॉट अ न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी मतलब न्यूक्लियस में कुछ हो रहा है तो होता है, उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं. When you are disturbing protons and neutrons, then energy is released is called as nuclear energy. वैसे नहीं, okay? Now you are adding one electron to the outermost cell only. No electron is added to the nucleus. Okay? Shall I move? बोलो 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 जल्दी जल्दी. यस यस, वेरी गुड वेरी गुड. चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट वन लिखो. लिखो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. When you are moving from top to bottom, when you are moving from top to bottom, top to bottom, size is continuously increasing. Size is continuously
increasing due to which one electron can be easily added. And energy released will be lesser. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट इट इज इंक्रीजिंग, टॉप टू बॉटम इट इज डिक्रीजिंग. ओके, नाउ देयर इज एक्सेप्शनल केस इन दिस वन. उसमें से भी स्पेशली क्या है मेरे पास, क्लोरीन का सब. अब तुम लोग बोलो, बाद में मैं एक्सेप्शन बताता हूँ. तुम लोग बोलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. बोलो, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर. अब तो आइडिया लग गया होगा, बोलो प्लीज. हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखो जल्दी से चैट में. हाईएस्ट गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी फॉर बोलो. यस. तो हाईएस्ट गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मस्ट बी फॉर फ्लोरीन, बट देयर इज एक्सेप्शनल केस. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाईएस्ट फॉर क्लोरीन इन द पीरियोडिक टेबल. प्लीज राइट डाउन स्टार मार्क एंड राइट डाउन अ सेंटेंस. सेंटेंस के लिए लिखो, राइट डाउन सेंटेंस प्लीज विथ स्टार मार्क. देखो, Cl, क्लोरीन इज हाईएस्ट, क्लोरीन इज हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. Highest electron gain enthalpy or electron affinity in the periodic table. हो गया, होना किसका चाहिए था? फ्लोरीन का, बट क्लोरीन इज हैविंग हाईएस्ट. दिस इज एक्सेप्शनल केस. नाउ प्लीज सब लोग देखो, दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन. इट इज करेक्ट, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टॉप टू बॉटम स्पेशली, इट इज क्लोरीन देन फ्लोरीन. अब प्रॉब्लम यह है कि थोड़ा सा कि क्यों,
this is exceptional case. Fluorine is having smallest size, its electron gain enthalpy must be highest one. ठीक है ना, उसका मेन रीजन क्या हो सकता है? यस, देखते हैं व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन. इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का मतलब क्या हो गया इधर से? अगर मैं साइज जितना स्मॉल होगा उतना इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है ना. बट स्पेशली चलो और भी तुमको ज्यादा समझ में आएगा. राइट नाउ आई एम नॉट टेकिंग दिस वन, बट सपोज यू आर हैविंग नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन. अब देखो एक चीज, फॉस्फोरस का ग्रेटर है नाइट्रोजन से, सल्फर का ग्रेटर है ऑक्सीजन से, क्लोरीन का ग्रेटर है फ्लोरीन से. मीन्स ये जो हम लोग के पास पीरियड है, दिस इज पीरियड नंबर वन, सॉरी पीरियड नंबर टू, दिस इज पीरियड नंबर थर्ड. तो पीरियड नंबर थर्ड वाला इज हैविंग एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सॉरी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. रीजन इज वाई, रीजन इज वाई, ठीक है ना. देखो क्लोरीन वाला इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, सल्फर इज हैविंग, जबकि इसका साइज अगर मैं जाऊं तो डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज कर रहा है ना. तो थर्ड पीरियड वालों का मस्ट बी ग्रेटर देन सेकेंड पीरियड वालों का, बट दिस इज एक्सेप्शन. नाउ प्रॉब्लम इज वाई, ठीक है ना. तो पहला सपोज यू आर टेकिंग क्लोरीन, क्लोरीन का क्या हो रहा है 2.8.7, फ्लोरीन का कितना है 9, तो 2.7, ठीक है ना. तो ये बाय द वे प्रैक्टिकली ये जो सीएल है यानी थर्ड पीरियड वाले, देखो पीरियड वन पीरियड टू पीरियड थ्री कहां से पता चल रहा है? दिस इज पीरियड वन, दिस इज पीरियड टू, दिस इज पीरियड थ्री. ऐसे भी तुम निकाल सकता था कि ये थर्ड पीरियड में, दिस इज पीरियड नंबर वन पीरियड नंबर टू. पीरियड नंबर थर्ड के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर एट सच अ एप्रोप्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस कि दे आर strongly attracted from the nucleus. Repulsion का factor उधर थोड़ा सा कम है. अगर repulsion का factor कम है, attraction का factor ज्यादा है, means वो जल्दी से electron को लेकर के क्या कर सकता है? Accept कर सकता है. Means they are present at appropriate distance. ठीक है ना. और वो तुमको मैं लिखने को तो लिखवा सकता हूँ, high electron density की वजह से होता है, ठीक है ना. हाई इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, हाई चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा. छोड़ दो मैंने क्या वर्ड बोला, अभी टेक्निकल वर्ड थोड़ा सा तुमको कम समझ में आएगा, बट जैसे अदर कोचिंग वाले जानते हैं तुम थोड़ी देर के लिए वैसा जानो. अभी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग ज्यादा पढ़ लेंगे चैप्टर. अभी क्या हो रहा है, वन चैप्टर इज इंटर डिपेंडेंट, तो मैं वैसा ना जा करके मैं तुमको बोल रहा हूँ कि दे आर प्रेजेंट एट सच अप्रोप्रिएट डिस्टेंस कि देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर स्पेशली थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स. ओके, तो चाहो तो लिख लो, लिखो प्लीज, राइट डाउन स्टेटमेंट प्लीज, लिखो एलिमेंट्स विच आर इन
elements which are in electrons which elements which are in third group they are having electrons such that sir yes it should be third period right third period sorry yes third period in third period such that there is less repulsion between electrons and strong attraction in third period such that there is less repulsion between electrons and a strong attraction between electron and nucleus. So they can accept one electron easily. So they can accept one electron easily. तो इसी में सपोज यू वॉन्ट टू रीअरेंज देम तो हाइएस्ट इज क्लोरीन क्लोरीन के बाद इज फ्लोरीन फ्लोरीन के बाद इज सल्फर सल्फर के बाद इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बाद इज फॉस्फोरस के बाद इज नाइट्रोजन समझ में आ रहा है क्लोरीन के बाद फ्लोरीन फ्लोरीन के बाद इज सल्फर इज इट क्लियर नाउ यस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन Yes, atomic structure is the reason. Atomic structure is the reason. Now, please, सभी लोग अरेंज करो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ अरेंज करो सब लोग प्लीज फास्ट तो हाईएस्ट विल बी प्लीज हाँ सॉलिड स्टेट में है बट मुझे तो एक एटम निकाल के करना है ना सॉलिड स्टेट में सपोज सोडियम सॉलिड स्टेट में एल्यूमिनियम आयरन इज सॉलिड स्टेट उसमें से एक एटम को अलग कर उसके बाद इलेक्ट्रॉन इज एडेड ओके तो हाईएस्ट इज फॉर एक्सेप्शनल नो हाईएस्ट इज एक्सेप्शनल क्या था देखो यहीं पे देखो फास्फोरस इज ग्रेटर देन नीचे वाला एक्सेप्शनल क्या आया था याद आया तो बहुत सारे लोगों ने करेक्ट भी लिख करके दिया है यस स्नेहल इज करेक्ट स्वराली इज करेक्ट अनन्या ऐश्वर्या सिद्धि ईशिता श्रावणी ऑल आर करेक्ट
नाइट्रोजन का किसने लिखा? वेदांग नो. तो नाउ 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 फास्फोरस एक्सेप्शनल था ना. देन आफ्टर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इट इज डिक्रीजिंग. ठीक है. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इट इज डिक्रीजिंग. बट बीच में मेरे पास एक एक्सेप्शनल था. नाउ नेक्स्ट वन लिखो प्लीज. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. पहला लिखो एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज में क्या था? नाउ यू टेल मी. एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग. मैं ऐसा लिख रहा हूं. एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या डेल्टा एच ई लिखो सबसे अच्छा. डेल्टा एच ई इज जी. ऐसा ई जी लिखा है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नेक्स्ट फैक्टर एटॉमिक साइज के बाद you are having single bond alkene and alkyne. That is alkane, alkene or alkyne. Alkene, alkane and alkyne. तुम लोग मुझे बताओ in which carbon carbon single bond carbon carbon double bond carbon carbon triple bond where atoms will be more closer, single bond or triple bond, please. Where atoms will be more closer, single or triple bond? Triple bond, they will be more closer to each other, na? Now, if they are closer to each other, then their electron, yes, the electron gain enthalpy will increase. ऐसा लिख लो. ट्रिपल बॉन्ड विल हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू सेकेंड यानी डबल बॉन्ड. एंड डबल बॉन्ड विल हैव ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड. नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट हेडिंग इज हाँ ट्रिपल बॉन्ड इज हैविंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड. एंड डबल बॉन्ड इज हैविंग हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड. नाउ थर्ड वन इज कॉल्ड एज चार्ज ऑन आयोन. चार्ज ऑन आयोन.
स्पेशली कैटायन के लिए. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग Fe3 प्लस Fe2 प्लस एंड Fe1 प्लस. अब बोलो तुम लोग कौन पहले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, विच इज गोइंग टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, विच इज हैविंग हायर पॉजिटिव चार्ज और लोअर पॉजिटिव चार्ज. बोलो प्लस थ्री वाला क्या करेगा, वो जल्दी से अट्रैक्ट करेगा. तो लिख लो प्लीज, लिखो हायर इज द पॉजिटिव चार्ज, हायर इज द पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज के ब्रैकेट में लिख लो ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट पर हमको पूरा एक चैप्टर ही पढ़ना है, रेडॉक्स रिएक्शन, बट अभी के लिए सिर्फ सिंपल वर्ड लिख लिया. तो हायर इज द चार्ज ऑन आयन ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. Yes, reduction plus oxidation is redox reaction. Darshan is saying, sir, so what is? Yes, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे ज्यादा होगा. इसमें बोलो किसी को प्रॉब्लम है प्लीज. सी दीज थिंग्स विल बी ABCD फॉर यू. जैसे जैसे केमिस्ट्री में हम लोग बार बार इसको रियलाइज करेंगे और रियलाइज करने के बाद इसका यूज करेंगे. ओके उसको हम लोग उतना ज्यादा हम लोग के पास ये तुम्हारे यूज टू होता जाएगा. दिस विल बी ABCD. हम लोग बार बार इसको यूज करेंगे. इज देर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ. सी मैं इसको क्या कर सकता था, दूसरे कोचिंग में क्या कर रहे हैं कि रिटन फॉर्मेट में स्क्रीन पे रख रहे हैं और उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. रिटन फॉर्मेट में स्क्रीन पे रख करके एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, वैसा भी हो सकता है. बट उसमें क्या होगा, देखो अभी मुझसे लोगों ने पीछे स्टार्ट किया, मुझसे आगे उन लोगों के दो दो चैप्टर कंप्लीट हो गए. मुझसे पीछे स्टार्ट किया, मुझसे आगे उन लोगों को हो गए, तो ऐसे रहते हैं सब लोग. बहुत फास्ट जाएंगे बेटा, हम लोग आराम से जा रहे हैं. ऐसा तो नहीं मैं आराम से जा रहा हूं और ज्यादा हो जा रहा है, बाउंस जा रहा है. बोलो बाउंस जा रहा है क्या, बाउंस जा रहा है क्या? बोलो तनीश. सेकेंड लास्ट सेंटेंस हम लोग के पास क्या था भाई, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ बोल करके निकल गया. हाँ, इफ यू आर स्पेशली सेइंग फॉर पॉजिटिव चार्ज, तो हायर इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. जल्दी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना जल्दी अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स. अपोजिट ऑफ अनायन, हाँ यस, अपोजिट फॉर अनायन, डेफिनेटली
definitely definitely anything else yes opposite for anion as opposite for anion yes opposite for anion to bhai वैसे अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक और भी प्रॉपर्टीज आता है दैट इज कॉल्ड एज सभी लोग लिखो डायगोनल रिलेशनशिप diagonal relationship now what is diagonal word is saying diagonal word is saying diagonal diagonal periodic table mein diagonal kaise rahega you are having lithium sodium potassium next one is beryllium magnesium calcium so on तो यहां पे बोला इसका डायगोनल ये वाला है ठीक है ना उसके बाद जाओ बोरॉन एल्यूमिनियम दिस इज डायगोनल कार्बन सिलिकॉन बस ऐसा नहीं कि पूरा पीरियोडिक टेबल कार्बन का इसके आगे नहीं तो व्हाट इज एक्चुअली डायगोनल्स रिलेशनशिप डायगोनल रिलेशनशिप के लिए बोला है कि फर्स्ट एलिमेंट देखो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड ग्रुप और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड ग्रुप आर हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज टू सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप यहां से ऐसा जा रहा है समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है लिथियम फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का सेकेंड एलिमेंट तो इसी को मैं बोल रहा हूं दे आर हैविंग सिमिलर physical and chemical properties that's why they are called as diagonal relationships theek hai na to likho definition likho please लिखो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ हाँ देखते हैं बताता हूं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो इट इज नॉट इन केस ऑफ मैं बता रहा हूं लिखो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड first element of group of first second and third first element of group of first second and third are having similar properties are having similar properties to second element of
second element of second, third and fourth elements. Second, third and fourth elements which is called as diagonal relationships, which is called as diagonal relationships. अब देखो मैंने स्टेटमेंट में डायरेक्टली लिखवाया है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, है ना, एंड दे आर डायगोनल विथ किसके साथ, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, अब बोलो सभी लोग बोलो, इज देयर एनी डाउट प्लीज. And this is not common in each and every throughout periodic table. It is not common everywhere. So, not an issue. इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज का जो lecture है वो हम लोग यहाँ पर finish कर सकते हैं. बोलो, is there any doubt, please? Let me know. Is there any doubt? Let me know, please. Any doubt? Let me know, please. No. मैंने बोला first element. First element. It is only with first and second with next function next periodic table का group. ठीक है, चलो भाई, वेरी गुड, थैंक यू सो मच. नो, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं है उनके, फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टाइप के है, लाइक डेंसिटी हार्ड है, मेटालिक कैरेक्टर, ऐसा. बोलो प्लीज. थैंक यू सो मच. कल मिलते हैं 24 आवर के ब्रेक के बाद. बाय 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 सब लोग.